अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 3 अगस्त 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में ना, जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है वो आपकी कट ऑफ लिस्ट को लेकर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए अभी तक काफी बच्चों का सवाल आ रहा था कि सर इस बार आगरा में क्या कट ऑफ जा सकती है, ठीक है, अलीगढ़ में क्या जा सकती है, मथुरा में क्या जा सकती है, मैनपुरी में क्या जा सकती है, बरेली, देखिए सभी जिलों के नाम यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि आपके जिले में इस बार सरकारी कॉलेज के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी, ठीक है। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी उन बच्चों के लिए जो बच्चे परेशान है कि सर हमें सरकारी कॉलेज मिलेगा कि प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉलेज कट ऑफ की बात हम इस वीडियो में करेंगे कि कहां पर कितनी ज्यादा सीटें हैं, कहां पर आपको एडमिशन लेना सही रहेगा, कहां पर कम नंबर पाने पर भी आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। डीएलएड करना चाहिए कि बीएड करना चाहिए, अब तक देखिए बीएड में एडमिशन भी हो रहा है, जो बच्चे एडमिशन लेने वाले होंगे वो ले भी रहे होंगे। उसके बाद दोस्तों अदर स्टेट के छात्रों को क्या फायदा मिलेगा, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। अब कुछ बच्चों का कमेंट आया था, पहले उन कमेंट का भी आंसर देख लेते हैं। सर मेरा 231 नंबर है, क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ठीक है। गोरखपुर का नहीं दिख रहा, चलिए हम गोरखपुर का भी दिखाएंगे। एग्जाम सेंटर जो सेमेस्टर वाइज होता है या ईयर वाइज, देखिए आपको बता दें जो हमारा डीएलएड का एग्जाम होता है वो सेमेस्टर वाइज होता है। टोटल आपको 4 सेमेस्टर के एग्जाम देने पड़ते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है। एक तो दोस्तों ही सही से माउस आज वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला कमेंट आता है बच्चे का कि सर मेरे 192 नंबर है और 40% दिव्यांग, ठीक है, दिव्यांगता का कुछ छूट मिलता है कि नहीं, बिल्कुल आपको मिलेगा इसका। सर मेरा हाई स्कूल में 88 है, इंटर में 84 है, ग्रेजुएशन में 69 है। जी हाँ बिल्कुल आप सरकारी कॉलेज के हकदार हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको बता दें कुछ ऐसे जिले भी रहने वाले हैं जहाँ पर 238 नंबर जैसे बच्चे के यहाँ पर आ रहा है, तो इनको भी दिक्कत हो सकती है, और कहीं पर 215 वाले बच्चे भी सरकारी कॉलेज पा सकते हैं। जी हाँ सब कुछ हम इस वीडियो में ही देखेंगे, तो वीडियो को आप लोग को शुरू से लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा बच्चे एडमिशन कहाँ पर लेते हैं। देखिए एक बात आप समझ लीजिएगा, किसी भी जिले में डायट में मैक्सिमम 100 से 200 सीटें होंगी। कितनी सीटें होंगी, या तो आपके यहाँ 100 होंगी या तो 200 हो सकती है, ठीक है, ये कुछ आपका सीटों का आंकड़ा रहेगा। अब जरा देखते हैं, अगर दोस्तों आप आगरा जिले में सरकारी कॉलेज लेने की सोच रहे हैं, तो अभी तक पिछले साल 2023 में जो बच्चे एडमिशन लिए आगरा में फर्स्ट सेमेस्टर में, उनकी संख्या लगभग टोटल है 7964, लगभग 8000 बच्चों ने आगरा में एडमिशन लिया है। फिर बात करें हाथरस में, देखिए यहाँ पर जो टोटल संख्या दिख रही है ना, ये हाथरस में यहाँ पर आ रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर टोटल नीचे कितना लिखा है 1575, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला ये, तो यहाँ पर हाथरस में 1575 बच्चों ने एडमिशन लिया। फिर बात आती है अलीगढ़ की, अलीगढ़ में 200 टोटल बच्चों ने एडमिशन लिया, उनकी संख्या है 2476, आप लोग अंदाजा लगाते जाएगा। मथुरा में दोस्तों 5440 बच्चों ने एडमिशन लिया था। फिरोजाबाद में 5000 से ज़्यादा बच्चे, ठीक है, एग्जाम देंगे इस साल या एडमिशन लिया, आप जो भी समझ सकते हैं। उसके बाद बात आती है मैनपुरी की, तो मैनपुरी में 5606 बच्चे रहेंगे। ये डायट लग रहा है दोस्तों, यहाँ पर हर जगह डायट आपको देखने को मिलेगा। ईटा प्लस कासगंज में यहाँ पर दोस्तों संख्या कितनी है 7806, लगभग 8000 के आसपास। बरेली में संख्या 1498, 1500 के आसपास है। फिर बदायूं की बात कर ले दोस्तों, यहाँ पर 618। इस वीडियो को भी यूपी के हर एक जिले से देखा जा रहा होगा, तो ध्यान दीजिएगा पीलीभीत में दोस्तों संख्या 615 आती है, तो पीलीभीत वाले बच्चे फायदा उठा सकते हैं। मुरादाबाद में संख्या रहेगी 3384। अमरोहा में 1935 है। रामपुर में दोस्तों संख्या 841 आती है। अगर हम बिजनौर की बात कर ले तो यहाँ पर संख्या 2923 है, ठीक है। कानपुर नगर में दोस्तों 3847 है। कानपुर देहात में यह संख्या 2626, ठीक है। कन्नौज में दोस्तों यह संख्या थी 3252। फर्रुखाबाद में दोस्तों यह संख्या 3606। औरैया में 3780। इटावा में दोस्तों 2607। मेरठ में यह संख्या कितनी थी, मेरठ में यह संख्या 10000 से ज्यादा, तो मतलब मेरठ में भी आसान नहीं रहेगा सरकारी कॉलेज मिलने। बागपत में देखिए 2273। गाजियाबाद में 1760। देखिए जहां पर भी 5000 से ज्यादा बच्चे एडमिशन में हैं, ठीक है, 5000 से टॉप 100 में आना या टॉप 200 में आना मुश्किल हो जाएगा।
गौतम बुद्ध नगर दोस्तों, यहाँ पर 539 बच्चे मारते हैं, बुलंदशहर में 957, ठीक है। मुजफ्फरनगर, यहाँ पर दोस्तों 1960 बच्चे हैं, सहारनपुर में 2476 बच्चे। अब लखनऊ की बात करें, लखनऊ में काफी ज्यादा बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, 4935। तो हमने बोला ना, जहां पर संख्या 5000 तक टच होगी वहां पर आप दिक्कत में आएंगे एडमिशन में। उन्नाव में संख्या 1596 का है, रायबरेली में दोस्तों ये संख्या मात्र 1300 का है, सीतापुर में 2142, हरदोई में 2016। उसके बाद दोस्तों लखीमपुर खीरी से अगर आप करने सोच रहे हैं तो 1141। प्रयागराज, जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज बहुत ही डिमांडिंग में रहता है, तो यहाँ पर दोस्तों संख्या ठीक से आपको दिख नहीं रही है। ये सारी संख्याओं की सीट्स को जोड़ लेंगे, 500 500। देखिए ये इस बार सेंटर बनाया गया, देखिए जो आप लोग के जिले में जो सेंटर बनेगा ना, जब आप डीएलएड करेंगे तो ये सारे नाम है कि इन इन स्कूलों में आप लोग का सेंटर डीएलएड करने पर जाएगा। हो सकता है कि आपके समय भी थोड़ा बदलाव भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या लगभग 8000 के ऊपर होगी। उसके बाद दोस्तों कौशाम्बी की बात कर लें, यहाँ देखिए क्लियर दिख नहीं रहा ना, कौशाम्बी में दोस्तों 1954 है, फतेहपुर में दोस्तों संख्या 2847, प्रतापगढ़ की संख्या दोस्तों बात कर ले 6600, मतलब प्रतापगढ़ में काफी बच्चे करते हैं, झांसी में 1704 बच्चे, ललितपुर में 1839 बच्चे हैं, जलौन, जलौन का नाम सुना होगा ना, 4803 बच्चे। वाराणसी में दोस्तों देखिए काफी डिमांडिंग, 3044 बच्चे। चंदौली की दोस्तों बात कर ले 2842। जौनपुर की बात करें, देखिए जौनपुर में भी बहुत बड़ी संख्या है डीएलएड करने वाले छात्र, 7280। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है गाजीपुर, गाजीपुर में भैया रिकॉर्ड तोड़ देते हैं बच्चे, 20000 से ज्यादा बच्चों ने एडमिशन लिया था लास्ट ईयर, तो यह जो सेंटर बने, तो मतलब गाजीपुर में ध्यान रखिएगा, ठीक है। जहां पर ये संख्या ज्यादा आपको दिख रही है वहां पर थोड़ा मुश्किल होगा, मतलब गाजीपुर में सरकारी कॉलेज मिलना बड़ी बात होने वाली है। मिर्जापुर की बात कर ले 2537, सोनभद्र की बात करें 1038, भदोही की बात करें मात्र 561 बच्चे, एक ही सेंटर है। आजमगढ़ की बात किया जाए तो आजमगढ़ में दोस्तों 14000 से ज्यादा बच्चे, मतलब गाजीपुर आजमगढ़ ये सब, ठीक है। मऊ की दोस्तों बात कर ले 6460, बलिया में 5000 से ज्यादा बच्चे, गोरखपुर, गोरखपुर में 3890 बच्चे, महाराजगंज में 1840 बच्चे, देवरिया के दोस्तों बात कर ले 2595 बच्चे, कुशीनगर की बात करें 1650, बस्ती में 2580 बच्चे, संत कबीर नगर में 3629, सिद्धार्थ नगर में 918, अयोध्या के दोस्तों बात कर ले तो अयोध्या में टोटल जो बच्चे हैं 7360, अयोध्या में भी एक बड़ी संख्या है, ठीक है। अंबेडकर नगर के दोस्तों बात करें तो यहाँ पर भी 7523 बच्चे रहेंगे, सुल्तानपुर में 6473, बाराबंकी में दोस्तों 2677 बच्चे, गोंडा प्लस बलरामपुर यहाँ की संख्या रहेगी 1640, बहराइच में 968, चित्रकूट में 874, बांदा में 1614 बच्चे रहेंगे, ठीक है। महोबा प्लस हमीरपुर 1890। एक और बात देखिए, डायट हर जिले में मतलब पास के 10 विद्यालयों को बनाएंगे आदर्श, ठीक है। ये सब बातें हो रही हैं तो ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि जहां पर ज्यादा बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, ज्यादा सीट्स भी हैं वहां पर, तो वहां पर डायट कॉलेज पाना मुश्किल होगा। जहां 20 20 हजार बच्चे बताइए आ रहे हैं, 14000 बच्चे आ जा रहे हैं, तो फिर कंपटीशन टफ है ना। डायट में सीटें 200 ही रहने वाली है, 100 या 200 कुछ ऐसा ही रहेगा। सर फिफ्थ में बैक लगा है, मेरा एडमिशन हो सकता है कि नहीं? देखिए बैक वाले कैसे हो सकता है, एक बार आप किसी प्राइवेट कॉलेज में बात कर लीजिएगा अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो, ठीक है। गोरखपुर का दोस्त इसमें हमने वीडियो में दिखा दिया, इसको देख सकते हैं। एग्जाम सेंटर वाइज मतलब सेमेस्टर वाइज होता है कि ईयर वाइज, तो आपका यहाँ पर सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा, 2 साल में आप 4 बार एग्जाम देंगे, ठीक है। फोर्थ, ये सब बातें हो गई हैं। तो चलिए दोस्त मिलेंगे एक और वीडियो में, 3 अगस्त आवेदन की स्थिति क्या है अभी तक दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जो दिया गया लिंक है उस पर लगातार आप चेक करते रहिएगा, आवेदन शुरू होगा तो देख पाएंगे। जरूरी डॉक्यूमेंट्स में आपका हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन, ठीक है, और कास्ट सर्टिफिकेट, निवास सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें जरूरी हैं। कैरेक्टर मांगा जा सकता है, ठीक है ना, और शपथ पत्र लगेगा, वो सब बातें हम आपको बताएंगे। डायरेक्ट एडमिशन, इसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो डायरेक्ट एडमिशन के पात्र नहीं होंगे, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। अदर स्टेट के छात्रों को हो सकता है इस बार मौका मिले, लेकिन वेट करिए जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता,
मिनिमम एज 18 साल, फीस आपकी 10,200 सरकारी कॉलेज की रहेगी, प्राइवेट कॉलेज की कितनी रहेगी 41,000। ठीक है, आवेदन करने के लिए दोस्तों आपको 700 रुपये से लेकर 500 रुपये तक पैसा देना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम 50% जनरल, 45% OBC, SC ST और आरक्षित वर्ग। मतलब मान लीजिए कोई बच्चा जनरल कैटेगरी से, तो 50% उसको ग्रेजुएशन में अनिवार्य है। आवेदन में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं होता, एक तो वैसे इतनी डेट लेट से आएगा अगर फॉर्म, तो और मौका नहीं मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्ट।